तो जैसा बता रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं, जो दिग्गज सूचकांक हैं, वहां पर कहीं पर थोड़ा सा अब कहानी रुकती हुई दिख सकती है, लेकिन दूसरी तरफ मिड कैप में, स्मॉल कैप में काफी अच्छी खरीदारी चल रही है। जी लेकिन बिल्कुल लेकिन FII जब आते हैं भारतीय बाजार में, तो वो तो स्मॉल कैप की तरफ जाते नहीं है, मिड कैप में भी बहुत थोड़ा जाते हैं। तो अगर FII खरीदारी आ रही है, वो तो बड़े शहरों में ही ज्यादा जाएगी ना। देखिए, FI की खरीदारी या बिकवाली की बात की जाए ना, तो अगर हम लोग देखें तो पिछले अभी 2 महीने माने अगस्त में बिकवाली करी इन्होंने नेट नेट, और उससे पहले के अगर 6-7 महीने देखें ना, तो हर महीने बिकवाली के आंकड़े थे जो बहुत डिप्रेसिंग थे। लेकिन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 70-80% DI ने अब्जॉर्ब कर लिया था, तो बाजार पे कोई प्रेशर उस कारण से नहीं आया था कि FI की सप्लाई आ रही है। ये एक लेकिन सेंटिमेंटल अब जब प्रभाव वो पड़ता है, खरीदेंगे तब क्या खरीदेंगे? तब तो वो बड़े शेयर ही खरीदेंगे ना। तो सेंटिमेंट की बात होती है ना, वही मैं कह रहा हूं कि जब वो बेच रहे थे तो बाजार गिर रहा था, बावजूद इसके कि DI खरीद रहे थे। कारण ये था कि जो खुदरा निवेशक हैं उनके दिमाग पे ये रहता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो FII हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं इन्हें, इसलिए बाजार में वो लोग अपना बेचते रहते हैं या कॉल पुट करते रहते हैं, उससे बिकवाली का दबाव रहता है। और ये सेंटिमेंट में सुधार की बात है। आज 6,000 करोड़ की बाइंग पूरे सितंबर महीने में, जबकि आज 10 तारीख हो गई, 11 तारीख, कोई बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट में सुधार आता है कि FII की बाइंग चल रही है। तो इस कारण से जो खुदरा निवेशकों को जो सेंटिमेंट है वहां सुधार आता है, और उसी वजह कर हम देखते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रैक्शन आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो है कि एक उत्साह बन रहा है। अब ये जो खरीदारी बन रही है, इसके चलते किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय तक चाल बनी रहेगी? कहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, या कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो सकती है? देखिए, सेक्टर्स की बात की जाए तो हम लोग एक तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत बुलिश हैं। हमें लगता है कि अगर ऑटो में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ऑटो की जो कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां खास करके, उनके कोई वैल्यूएशन ज्यादा लगते हो या महंगे लगते हो शेयर की, उसमें नहीं जाना है। तो एक ऑटो कंपनी चलती है, उसके पीछे 10-20-50 ऑटो एंसिलरी कंपनीज चलती है। तो ऑटो इंश्योरेंस में हमारा रुझान बहुत पॉजिटिव है, जहां हम समझते हैं कि अच्छा पैसा बन सकता है। दूसरे, जिस तरीका से सरकार का रवैया है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लेकर के, या जिस तरीका से उन्होंने खर्चे किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन सब चीजों के मद्देनजर हमें सीमेंट पे बहुत ज्यादा तेजी दिख रही है। सीमेंट में एक तो सरकार का भी पुश है, दूसरे अगर आप देखें तो उनके जो फ्यूल कॉस्ट थे वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में प्राय सभी कंपनियों ने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है, और सबसे बड़ी बात, लास्ट 2-3 साल के अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो अगर सब नहीं तो प्राय सभी कंपनियों ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं। तो ये डेट रिडक्शन, फ्यूल कॉस्ट में सेविंग्स और डिमांड की बढ़त, ये सारी चीजें मिलकर के सीमेंट सेक्टर को एक अच्छा पुश दे सकती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर री रेटिंग हो सकती है। इसके अलावा PSU बैंकिंग स्पेस में हमें लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूएशन हो गई है, बहुत पीछे छूट गए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, और वहाँ अगर जिस तरीका से NCLT के केसेस से उन्हें पैसे मिल रहे हैं, ये सरकार की तरफ से पुश मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो उनके फेवर में जा रहा है, इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि PSU बैंकिंग स्पेस में कुछ अच्छे स्टॉक्स निकल के आ सकते हैं।